हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आरबी फैंटेसी 7। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीआई का जो मैच होने वाला है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट टाइगर यानी जेएनटी वर्सेस फ्यूजन यानी एफएस के बीच में। तो क्या कुछ रही थी कल के मैच की विनिंग, आप देख सकते हैं। सेम टीम मैंने यहाँ पर वीडियो में दी थी और सेम टीम यहाँ पर मैंने प्रोवाइड की थी, लेकिन वीडियो टीम में और फाइनल टीम में थोड़ा सा एक चेंजेस किया था मैंने। तो जो टीम मैंने यहाँ पर वीडियो पर दी थी उस टीम का ग्रैंड लीग रैंक 191 था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 13,000 मेंबर में यहाँ पर रैंक यहाँ पर 191। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी तबाही मचा होंगी इस टीम ने स्मॉल लीग में। और उसी के साथ साथ जो सेकंड मैच था तो वो था स्पेनिश लीग का, तो इसकी टीम मैंने प्रोवाइड नहीं की थी क्योंकि यहाँ पर लाइनअप इशू होता है और लाइनअप इशू की वजह से यहाँ पर टीम लास्ट के एक मिनट में बनी थी मेरी, और अगर मैं आपको तब तक सेंड कर देता तो फिर यहाँ पर आप एडिट नहीं कर पाते। लेकिन ये मैच भी थोड़ा सा रिस्की था और क्लीन स्वीप हुआ था ऑलमोस्ट। यहाँ पर मिनी जेल भी यहाँ पर मैं विन कर लेता अगर ज्वाइन करता, और मैच भी उसी के साथ साथ रिस्की था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इस दोनों टीम की। अगर इस दोनों टीम का लास्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड चेक करेंगे तो लास्ट हेड टू हेड मैचेस में यहाँ पर फ्यूजन्स को यहाँ पर हराया नॉर्थ ईस्ट टाइगर ने। फ्यूजन यहाँ पर पॉइंट टेबल में सिक्स्थ पोजीशन पर है। उसी के साथ साथ अगर बात करूँ यहाँ पर सेकंड टीम की, तो सेकंड टीम का अगर यहाँ पर देखेंगे 25 आउट ऑफ यहाँ पर 15 मैचेस नॉर्थ ईस्ट टाइगर, और उसी के साथ साथ फ्यूजन 23 आउट ऑफ 4 मैचेस विन कर लिए। लेकिन लास्ट जो हेड टू हेड मैच हुआ था अभी रिसेंटली उस मैच में बस यहाँ पर 4 पॉइंट से हारी थी फ्यूजन। क्यों हारी थी? क्योंकि यहाँ पर इनका मेन प्लेयर खेल रहा था। क्या कौन था वो मेन प्लेयर, उससे जानने के लिए आपको यहाँ पर पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आज का मैच खेले तो फिर यहाँ पर वो तबाही कर देंगे और उसी के साथ साथ किसी की नज़र उस प्लेयर पर नहीं होंगी आज के मैच में। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर प्लेयर बाय प्लेयर परफॉर्मेंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चेक करना सब्सक्राइब किया नहीं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार जाके सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, उसी के साथ साथ यहाँ पर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर कर देना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेएनटी के प्लेयर की, जो कि नॉर्थ ईस्ट टाइगर की यहाँ पर टीम सब मतलब एज़ कम्पेयर टू फ्यूजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। उस टीम की तरफ से डी जॉन्स आके बंद करके यहाँ पर ईएसपी बना देना। उसी के साथ साथ अगर आपको यहाँ पर ग्रैंड लीग खेलनी तो फिर ग्रैंड लीग में 7-8 टीम में इनको ईएसपी और पीपी बना देना। और आज के मैच में बता दे रहा हूँ कि ग्रैंड लीग के लिए सबसे बढ़िया मैच है, इससे अच्छे मैच आपको ग्रैंड लीग के लिए मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो ट्राई करना डी जॉन्स, यहाँ पर डी जॉन्स का भी परफॉर्मेंस देखूंगा। उसी के साथ साथ जे गोवा, ये भी यहाँ पर थोड़े से क्रेडिट से और मिल जाएंगे। और जैसे हुआ अगर तीनों प्लेयर का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो डी जॉन्स का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस है। और उसी के साथ साथ सेकेंड मैच दिखा दूँ तो सेकंड मैच में भी देखिए यहाँ पर 42 मिनट खेले थे, 53.12 रिबाउंड, 7 असिस्ट और 6 स्टील। तो आके बंद करके यहाँ पर ईएसपी बना देना आज के मैच में। और लास्ट जो हेड टू हेड मैचेस हुआ था फ्यूजन के साथ उस मैच में देखिए 37 मिनट खेले थे, 42.13 रिबाउंड, 7 असिस्ट, 1 ब्लॉक और 3 स्टील, इसलिए मैं बता रहा हूँ आके बंद करके ईएसपी बना देना। और इस प्लेयर के अलावा आपको बेस्ट एसपी चॉइस कोई और मिलेंगे नहीं ग्रैंड लीग में भी। लगभग यहाँ पर 7-8 टीम में इनको ईएसपी बना के चले जाना। और पॉइंट गार्ड से आपको मिल जाएंगे जैसे हुआ और डे जॉन्स, दोनों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे हुआ का लास्ट मैच का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो एवरेज परफॉर्मेंस से इतना कुछ अच्छा खासा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं। जैसे हुआ 27 मिनट खेले थे, 2 स्टील किए थे, उसी के साथ साथ 4 असिस्ट और रिबाउंड भी किए थे। उसी के साथ साथ सेकेंड मैच की बात करूँ तो 34 मिनट खेले थे, लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस देखिए एवरेज परफॉर्मेंस आप इनको यहाँ पर बोल सकते हैं। और जो हेड टू हेड मैचेस में खेले थे, हेड टू हेड मैचेस में 42 मिनट मिले थे, 7 रिबाउंड, उसी के साथ साथ 4 असिस्ट, 2 स्टील और 4 पॉइंट, तो मैं इनको ग्रैंड लीग के लिए कमेंट करूंगा, हाई क्रेडिट प्लेयर है जैसे हुआ। उसी के साथ साथ डी जॉन्स यहाँ पर मस्ट हैव है स्मॉल लीग के लिए, और उसी के साथ साथ ईएसपी भी मस्ट हैव है। शूटिंग गार्ड से आपको मिल जाएंगे डब्ल्यू जे यांग, और उसी के साथ साथ ये दोनों प्लेयर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर डब्ल्यू जे यांग का लास्ट मैच का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस है डब्ल्यू जे यांग का। उसी के साथ साथ आपको क्रेडिट से और मिल जाएंगे, बैन से खेले थे 29 मिनट, उसी के साथ साथ 8.1 रिबाउंड और 2 स्टील। और सेकंड मैच की बात करूँ तो सेकंड मैच में भी 11 मिनट खेले थे, 1 रिबाउंड, 1 असिस्ट और 1 स्टील किया था। अगर बात करूँगा हेड टू हेड मैचेस के जो हुआ था फ्यूजन के साथ, तो इसमें इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था, 31 मिनट खेले थे, उसी के साथ साथ 19.3 रिबाउंड और 1 असिस्ट। तो डब्ल्यू जे यांग मस्ट हैव है, उसी के साथ साथ 13 क्रेडिट का प्लेयर है, बैन से खेलेगा। आप चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पर इन पर रिस्क ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर इस प्लेयर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो हेड टू हेड मैचेस में बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, बैन से खेलेंगे और अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको दे देंगे। तो शूटिंग गार्ड से डब्ल्यू जे यांग मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ यब बॉवन की बात करूँ तो यब बॉवन एक ही मैच खेले, इनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। स्मॉल फॉरवर्ड से आपको मिल जाएंगे जो युग सुंग, हाई क्रेडिट प्लेयर है, लेकिन यहाँ पर लास्ट मैच इनका बढ़िया गया है, ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पिक है आज के मैच में। उसी के साथ साथ बिजैंग और टीलिवा, इन दोनों को मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगा ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग दोनों के लिए भी। तो जैसे जे
जयोक्सुंग की अगर बात करूं तो लास्ट मैच जो हुआ था यहाँ पर 42 मिनट के लिए तो पॉइंट देखिए, उसी के साथ साथ स्टील देखिए तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस था, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई क्रेडिट का प्लेयर है। सेकंड मैच परफॉर्मेंस देखिए, 41 मिनट के लिए तो 22 पॉइंट 9 रिबाउंड 6 असिस्ट और 1 स्टील किया था, और जो हेटियोड मैचेस हुआ था उसमें 28 मिनट के लिए थे, उसी के साथ साथ 9 पॉइंट 7 रिबाउंड 4 असिस्ट और 2 स्टील, तो यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। लेकिन यहाँ पर आपको हाई क्रेडिट प्लेयर मिल जाएगा, 18.5 क्रेडिट का प्लेयर, तो स्मॉल लीग के लिए इनको अवॉइड कर सकते हो, और चाहे तो आप इनको ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पिक, आप यहाँ पर इनके साथ पीपी भी जा सकते हो एक दो यहाँ पर ग्रैंड लीग मैचेस में। बाकी स्मॉल लीग के लिए तो यहाँ पर सेफ चॉइस नहीं। अगर बात करूँगा पावर फॉरवर्ड, तो पावर फॉरवर्ड में यस डियांग आपको मिल जाएंगे बैंसिकल से, उसी से सेजोंग मिल जाएंगे, अगर दोनों प्लेयर का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो। दोनों प्लेयर अगर देखेंगे, सिजोंग ने स्टार्ट किया था 22 मिनट के लिए थे, उसी के साथ साथ 1 पॉइंट और 4 रिबाउंड 3 असिस्ट और 1 स्टील किया था। अगर बात करूंगा यहाँ पर हायरिंग डोंग की, तो हायरिंग डोंग भी यहाँ पर बैन से खेलते और बैन से यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते, लास्ट मैच जो खेले थे बैन से खेले थे, और देखिए यहाँ पर तो 9 मिनट खेले थे, 5 पॉइंट 6 असिस्ट 2 रिबाउंड। और सेकंड मैच की अगर बात करूँ तो जोंग का परफॉर्मेंस 33 मिनट खेले थे, उसी के साथ साथ 5 पॉइंट 8 रिबाउंड 3 असिस्ट और 1 स्टील किया था। उसी के साथ साथ अगर देखेंगे यहाँ पर तो जोंग यहाँ पर सेकंड मैच खेले नहीं थे, तो ये ध्यान में रखना है, अगर ये खेलते तो फिर यहाँ पर बेस्ट पिक मिल जाएंगे यस डियांग। उसी के साथ साथ सी जोंग यहाँ पर आपको हाई क्रेडिट प्लेयर मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर स्टार्ट करते, तो ग्रैंड लीग के लिए आप यहाँ पर सी जोंग को यहाँ पर रिकमेंड करूँगा। उसी के साथ साथ यस डियांग अगर खेलते तो स्मॉल लीग के लिए अच्छे खासे यहाँ पर क्रेडिट सेवर आपको मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर सेंटर की बात करूँ तो सेंटर में आपको यस दई मिल जाएगा, उसी के साथ साथ एली मिल जाएंगे, एली और यस दई, एली कभी कभी स्टार्ट करते हैं लेकिन यस दई लगभग यहाँ पर हर मैच में यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 39 मिनट खेले थे, उसी के साथ साथ 19 पॉइंट 6 रिबाउंड 1 असिस्ट 4 ब्लॉक और स्टील देखिए बढ़िया किया था। और सेकंड मैच की अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी 1 ब्लॉक 1 स्टील, उसी के साथ साथ 40 मिनट खेले थे, 20 पॉइंट और 10 रिबाउंड, तो रिबाउंड भी अच्छे खासे देते, उसी के साथ साथ पॉइंट भी अच्छे खासे देते। थर्ड मैच जो खेले थे तो यहाँ पर बैन से खेले थे, और बैन से भी यहाँ पर परफॉर्मेंस देखिए, इनका स्टील ब्लॉक बढ़िया, उसी के साथ साथ पॉइंट और रिबाउंड और असिस्ट भी किया था। अगर हेड टू हेड मैचेस की बात करूं तो हेड टू हेड मैचेस में यहाँ पर 14 मिनट खेले थे, टाइम कम मिला था, लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस यहाँ पर भी देखेंगे तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर इनका यहाँ भी रहा था। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर 13.5 क्रेडिट के प्लेयर, और चाहे तो आप इनको इग्नोर कर सकते हो या फिर ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको लेना है तो एलआई और यस दई यहाँ पर सेंटर से बेस्ट पिक मिल जाएंगे इस टीम की तरफ से। अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करूँ इस टीम की तरफ से, जेएनटीए की तरफ से डी जॉन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसी के साथ साथ डब्ल्यू जियांग अच्छे खासे प्लेयर है, उसी के साथ साथ जयोक्सुन इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करना, उसी के साथ साथ बिजांग इनको भी ग्रैंड लीग में रिकमेंड करूँगा। सीजांग इनका परफॉर्मेंस मैंने दिखा दिया है, स्टार्ट करते हैं, उसी के साथ साथ यस डी बैन से खेलेंगे, बेस्ट क्रेडिट से और आपको मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ यस डी और एली दोनों की अगर बात करूँ तो एली कभी स्टार्ट करते कभी बैन से खेलते, अगर बैन से भी खेलते तो फिर अच्छे खासे पॉइंट आपको दे देंगे, 5.5 क्रेडिट के प्लेयर है। और अगर यहाँ पर आज इनकी टीम यहाँ पर लीड करती है, अपोनेंट वाली टीम में एक मेन प्लेयर है जिनके जो मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उसी की वजह से यहाँ पर लास्ट का मैच जो था तो यहाँ पर टॉप मैच हुआ था, और वो प्लेयर लास्ट के 3-4 मैच से खेल नहीं रहा है, तो ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। अगर वो प्लेयर खेलता है तो फिर यहाँ पर एलियो को चाहे तो आप ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर वो प्लेयर नहीं खेलेगा तो ये मैच वन साइडेडली जेएनटी विन करने वाली है, और उसी के साथ साथ एलियो को यहाँ पर अच्छा खासा टाइम मिल सकता है बैन से, तो इसलिए मैं यहाँ पर एलियो को रिकमेंड करूँगा। उसी के साथ साथ एसडी भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है इनका, तो ये सभी प्लेयर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी को ड्रॉप करना है तो फिर आपको डब्ल्यू जियांग या फिर यस दई इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की मानूंगा इन दोनों को भी यहाँ पर ड्रॉप करना, क्योंकि अगर इनकी टीम लीड कर देती है तो फिर यहाँ पर डी जॉन्स को थोड़ा सा कम समय दे सकते हैं, और उसी के साथ साथ इन दोनों के यहाँ पर अच्छा खासा टाइम दे सकते हो। उसी के साथ साथ अगर बात करूँगे यहाँ पर जयोक्सुंग, अगर इनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पर यस डी को यहाँ पर ग्रैंड लीग में ड्रॉप कर देना, उसी के साथ साथ डब्ल्यू जियांग इन दोनों में से किसी एक को ग्रैंड लीग ट्राई कर देगा। अगर यहाँ पर जयोक्सुंग यहाँ पर चल जाए तो फिर यहाँ पर इन दोनों के टाइम पर यहाँ पर इंपैक्ट पड़ेगा, खास करके यहाँ पर यस डी को यहाँ पर थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा, और उसी के साथ साथ डब्ल्यू जियांग को भी यहाँ पर थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा। तो ठीक है, ग्रैंड लीग के लिए थोड़ी सी यहाँ पर स्मॉल मार्जिन वाली टिप्स है। उसके बाद बात करेंगे हम फ्यूज़न, तो फ्यूज़न की तरफ से आपको मैं जिस प्लेयर की बात कर रहा था वो है जेडवैंग। अगर ये प्लेयर यहाँ पर खेल जाता है तो यहाँ पर मस्ट हैव पिक होगा, और इसी प्लेयर की वजह से लास्ट जो मैच था इन दोनों भी टीम का जेएनटी और एफएस किया
तो ये मैच टफ हुआ था क्योंकि इस प्लेयर ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था और हर मैच में आपको यहाँ पर लगभग यहाँ पर 30+ ड्रीम इलेवन पॉइंट यहाँ पर आपको देने वाले। तो इस प्लेयर पर ध्यान रखना, अगर आज का मैच खेलते तो फिर मस्ट आवे। उसी के साथ साथ आर गरुड़ों की बात करूँ तो स्टार्ट तो बहुत बढ़िया किया था, लेकिन अब इस प्लेयर में वो पहले वाली बात नहीं रही। जैसे जैसे यहाँ पर आगे बढ़ रहे तो वैसे वैसे इनका यहाँ पर परफॉर्मेंस है तो वो थोड़ा सा ख़राब होता जा रहा है। लास्ट मैच 26 मिनट खेले थे, 24.6 साथ साथ 7 रिबाउंड 7 असिस्ट और 1 ब्लॉक किया था। अगर आर गोर्डन का सेकंड मैच बात करूँ तो यहाँ पर टाइम नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे इनकी टीम यहाँ पर लीड कर रही थी इसलिए टाइम नहीं मिला था। और थर्ड मैच की अगर बात करूँ तो आर गोर्डन को यहाँ पर 28 मिनट खेले थे, उसमें भी यहाँ पर इनका अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। तो ठीक है, तो यहाँ पर बेस्ट पीपी चॉइस आपको मिल जाएंगे आर गोर्डन, इनके अलावा बेस्ट पीपी चॉइस आपको कोई मिलेगा नहीं। अगर हेड टू हेड मैचेस हुआ था जो लास्ट, तो हेड टू हेड मैचेस में यहाँ पर आर गोर्डन का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, अच्छा खासा टाइम मिला था 32 मिनट, 27.6 रिबाउंड 1 असिस्ट और 1 ब्लॉक किया था। और जिस प्लेयर के बारे में बात कर रहा था ये खेल नहीं रहा है अभी 3-4 मैचेस में, तो हेड टू हेड मैचेस में खेले थे हेनली वैंग और उसी के साथ साथ 39 मिनट खेले थे। रिबाउंड देखना, पॉइंट देखना, उसी के साथ साथ स्टील और असिस्ट देखना। तो ठीक है, तो आर गोर्डन और यहाँ पर दोनों भी खेलते हैं ये प्लेयर, तो ये जेड वैंग, तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा यहाँ पर जेड वैंग को पिक करना, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट यहाँ पर सेव कर लूँगे। लगभग यहाँ पर आप यहाँ पर 6 क्रेडिट सेव करने वाले हो और 6 क्रेडिट में आपको बहुत अच्छा खासा प्लेयर वहाँ पर मिल जाने वाला है, आपका कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होने वाला है। उसी के साथ साथ यम लियाओ की अगर बात करूँ तो यम लियाओ एक क्रेडिट सेवर प्लेयर आपको मिल जाएगा। उसी के साथ साथ लास्ट मैच यहाँ पर देखेंगे बैंस स्टार्ट किया था, अच्छा खासा टाइम मिला था बैंस से, 30 मिनट खेले थे, 6.6 साथ साथ ब्लॉक 3 किए थे। अगर सेकंड मैच की बात करूँ तो 21 मिनट यहाँ भी मिले थे और ब्लॉक यहाँ भी अच्छा खासे किए थे, 2 ब्लॉक किए थे। और थर्ड मैच की अगर बात करूँ तो 19 मिनट खेले थे, 7.1 रिबाउंड और 2 असिस्ट, तो अच्छे खासे यहाँ पर क्रेडिट से और मिल जाएंगे यम लियाओ। उसी के साथ साथ आर गोर्डन पॉइंट गार्ड से दोनों यहाँ पर अच्छे खासे पिक। उसी के साथ साथ कैसे देखिए जी, ये भी यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर बढ़िया प्लेयर आपको मिल जाएंगे अगर इसका परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो। लास्ट मैच 18 मिनट खेले थे, उसी के साथ साथ 11 पॉइंट और 1 स्टील किया था, तो अच्छे खासे प्लेयर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर भी। तो तीनों यहाँ पर बेस्ट प्लेयर है, खास करके यहाँ पर स्मॉल लीग के लिए आर गोर्डन, इन दोनों को मैं यहाँ पर ग्रैंड लीग के लिए रिकमेंड करूँगा। और स्मॉल लीग के लिए यम लियाओ के साथ में 50-50 हूँ, तो ठीक है, तो ये स्मॉल लीग के लिए मस्ट आवे, इसके साथ में 50-50 हूँ, ग्रैंड लीग में इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर देखेंगे शूटिंग गार्ड, तो शूटिंग गार्ड में वाई हुआंग और टी जेई दोनों का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसी के साथ साथ यल जेंग हो, तो तीनों यहाँ पर अच्छे खासे पिक यहाँ पर मिल जाएंगे स्मॉल लीग के लिए अगर तीनों का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो। वाई हुआंग लास्ट मैच 33 मिनट खेले थे, उसी के साथ साथ 10.1 रिबाउंड 1 असिस्ट और ब्लॉक किया था। अगर सेकंड मैच की बात करूँ तो सेकंड मैच यहाँ पर वाई हुआंग का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 27 मिनट, उसी के साथ साथ 10.1 रिबाउंड और 2 स्टील। और हेड टू हेड जो मैच हुआ था तो हुआंग का परफॉर्मेंस यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बिलो एवरेज था, 34 मिनट खेले थे, 5.6 रिबाउंड और 1 स्टील किया था। तो ठीक है, तो हुआंग यहाँ पर अच्छे खासे पिक मिल जाएंगे, चाहे तो आप इनको ले सकते हो या फिर ड्रॉप कर सकते हो, 11 क्रेडिट का प्लेयर है। लास्ट के 2 मैच बढ़िया गए थे, हेड टू हेड मैचेस में इतना कुछ अच्छा खासा कर नहीं पाए थे। उसी के साथ साथ टी जे आपको मिल जाएंगे, टी जे का अगर परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो टी जे ने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस अभी तक किया है। तो टी जे बैन से खेलेंगे और यहाँ पर देखिए लास्ट मैच 12 मिनट खेले थे, उसी के साथ साथ 1 ही पॉइंट किया था। लेकिन सेकंड मैच का अगर बात करूँ तो सेकंड मैच में यहाँ पर टी जे का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, उसी के साथ साथ 13.10 असिस्ट और 1 ब्लॉक किया था। अगर थर्ड मैच की अगर बात करूँ तो थर्ड मैच में अगर टी जे का परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने अपना बेस्ट दिया था। और जो हेड टू हेड मैच हुआ था तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो टी जे भी बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इनको यहाँ पर इग्नोर करेंगे, लेकिन यहाँ पर बेस्ट पिक है, खास करके हेड टू हेड मैचेस में परफॉर्मेंस किया है। बैन खेलेंगे और अच्छा खासा टाइम इनको मिलता है, उसी के साथ साथ यहाँ पर असिस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। उसी के साथ साथ वाई हुआंग यहाँ पर आपको शूटिंग गार्ड से बेस्ट पिक मिल जाएंगे स्मॉल लीग के लिए। और स्मॉल फॉरवर्ड की बात करूँ तो स्मॉल फॉरवर्ड में सी लियांजे सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, उसी के साथ साथ सी पेंग फाउल बहुत ज़्यादा करते, इसलिए मैं यहाँ पर इनको रिकमेंड नहीं करूँगा। यमजू ये सभी प्लेयर मैं यहाँ पर ग्रैंड लीग के लिए रिकमेंड करूँगा। उसी के साथ साथ सी लियांजे अगर यहाँ पर हेड टू हेड मैचेस के लिए या फिर स्मॉल लीग के लिए लियांजे यहाँ पर बेस्ट पिक है। लियांजे का लास्ट मैच यहाँ पर देखेंगे 20 मिनट खेले थे,
उसी के साथ साथ यहाँ पर 3 पॉइंट और 4 रिबाउंड किए थे। और अगर बात करूँगा मैं सेकंड मैच की, तो सेकंड मैच में यहाँ पर लियांजे ने बढ़िया किया था, 48 मिनट खेले थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट मैच इनका इग्नोर कर दीजिए, लेकिन उससे पहले मैच इसका अगर देखेंगे तो बेस्ट परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। तो ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको इग्नोर कर देना है लास्ट मैच। लास्ट मैच में इनका यहाँ पर फ्लॉप परफॉर्मेंस रहा था, और जो सेकंड मैच था तो इनको टाइम देके अच्छा खासा मिला था लियांजे चेन को, और यहाँ पर परफॉर्मेंस भी इन्होंने बढ़िया दिया था। थर्ड मैच अगर देखेंगे तो थर्ड मैच में अगर लियांजे चेन का परफॉर्मेंस देखेंगे, 40 मिनट यहाँ भी खेले थे, पॉइंट देखिए। और उसी के साथ साथ जो हेड टू हेड मैच हुआ था तो उसमें भी यहाँ पर लगभग यहाँ पर लियांजे चेन का परफॉर्मेंस देखिए, 40 मिनट खेले थे, 25 पॉइंट उन्होंने यहाँ पर भी दिए थे। तो अच्छे खासे पिक मिल जाएंगे स्मॉल लीग के लिए, 13.5 क्रेडिट के प्लेयर है, और सेकंड इस टीम की तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और इस टीम की तरफ से इनको सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पर खेलने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे पावर फॉरवर्ड से ए निकोलसन का लास्ट मैच इसके अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो 20 मिनट 25 पॉइंट, सेकंड मैच के अगर बताऊँ तो यहाँ पर 32 मिनट 35 पॉइंट। उसी के साथ साथ फोर्थ जो हेड टू हेड मैचेस हुआ था तो यहाँ पर ए निकोलसन को 16 मिनट मिले थे, उसी में 17.5 रिबाउंड और 1 ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पर झिनलिंग वैंग खेल रहे थे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इनको टाइम यहाँ पर कम मिला था। अगर झिनलिंग वैंग नहीं खेलते तो ऑब्वियसली यहाँ पर ए निकोलसन को थोड़ा सा अच्छा खासा टाइम मिलेगा, और ये प्लेयर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस करके देगा। यल लियानबो ग्रैंड लीग के लिए रिकमेंडेड, उसी के साथ साथ यल हु स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के लिए दोनों के लिए बढ़िया प्लेयर है। जेड बैंक इनके बारे में मैंने बता दिया, लास्ट के 3-4 मैचेस खेल नहीं रहे, और उसी के साथ साथ सी यू अच्छे खासे यहाँ पर क्रेडिट से और मिल जाएंगे। अगर सी यू का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं सी यू, यहाँ पर 25 मिनट खेले थे, 9.4 रिबाउंड 1 स्टील। और सेकंड मैच की अगर बात करूं तो सेकंड मैच में यहाँ पर बैंसे खेले थे, लेकिन परफॉर्मेंस यहाँ पर भी बढ़िया था, परफॉर्मेंस पर कोई इंपैक्ट नहीं था। और जो हेड टू हेड मैचेस हुआ था, हेड टू हेड मैचेस में स्टार्ट करते हो 29 मिनट खेले थे, 2 पॉइंट 1 असिस्ट और 1 ब्लॉक। तो यहाँ पर स्टार्ट करते या फिर बैंसे खेलते हो तो टाइम अच्छा खासा मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पर इनको रिकमेंडेड कर रहा हूँ। तो स्मॉल लीग के लिए इस टीम की तरफ से आपको जेड बैंक मिल जाएंगे अगर खेले तो, यहाँ पर मस्ट हैव है। उसी के साथ साथ सी यू क्रेडिट से और बैंसे खेलेंगे, अच्छा खासा टाइम मिलेगा ये निकोलसन, उसी के साथ सी लियांजे मस्ट हैव स्मॉल लीग के लिए। और बात करूँगा यहाँ पर वाई हुआंग, इनके लिए मैं ग्रैंड लीग रिकमेंड करूँगा, या फिर स्मॉल लीग में आप थोड़ा सा यहाँ पर इन पर रिस्क ले सकते हो। यहाँ पर टीजे यहाँ पर क्रेडिट से और मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ बेंच प्लेयर बैंस से खेलेंगे, और आर गोर्डन अगर यहाँ पर जेड बैंक नहीं खेलते तो फिर आर गोर्डन मस्ट हैव। तो ये जो प्लेयर है तो इस टीम की तरफ से यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर बात करूँगा स्मॉल लीग टीम की तो कुछ इस प्रकार की होने वाली है मेरी स्मॉल लीग टीम, बहुत ज़्यादा क्रेडिट यहाँ पर मैनेज करके यहाँ पर स्मॉल लीग टीम बनाई है, क्योंकि यहाँ पर आर गोल्डन की वजह से क्रेडिट इशू बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि आर गोल्डन का अगर क्रेडिट देखेंगे तो 22 क्रेडिट के प्लेयर है आर गोल्डन, आप चाहे तो इनको ड्रॉप कर सकते हो, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है स्मॉल लीग के लिए। आज चाहे तो मैं 2 टीम दे दूंगा, एक मिनी जीएल के लिए जिसमें यहाँ पर आर गोर्डन नहीं होगा, और उसी के साथ साथ एक स्मॉल लीग टीम के लिए जहाँ पर आर गोर्डन होने वाला है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर देखेंगे सी लियांजे डी जॉनसन, सी लियांजे में और यहाँ पर यस डाई को यहाँ पर रिकमेंडेड करूँगा यहाँ पर पीपी ग्रैंड लीग के लिए। उसी के साथ साथ डब्ल्यू जे एंग भी अच्छे खासे पिक है ग्रैंड लीग के लिए पीपी, लेकिन सी लियांजे को पीपी बिल्कुल यूज़ करना, जो ग्रैंड लीग होंगे 1-2 लीग में इनको यहाँ पर पीपी ट्राई करना। तो ठीक है गाइस, यही मेरे लगभग यहाँ पर फाइनल टीम होने वाली है। ए निकोलसन को मैंने थोड़ा सा ड्रॉप किया है क्रेडिट इशू की वजह से, अगर ए निकोलसन को यहाँ पर आप पिक करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर सी लियांजे को ड्रॉप करना पड़ेगा, या फिर यसडाई, इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, और फिर भी बहुत ज़्यादा आपको क्रेडिट मैनेज करके उनको लेना पड़ेगा। तो ठीक है, तो फाइनल टीम लाइनअप आने के बाद कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, जो भी यहाँ पर अनाउंस होंगे लाइनअप, उसके बाद फाइनल टीम मैं अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, और उसी के साथ साथ आपने लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा।